दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सस्पेंशन इंसुलेटर क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसुलेटर का उपयोग तार को खंभे या फिर टावर से सेपरेट करने के लिए किया जाता है। इंसुलेटर का एक प्रकार होता है सस्पेंशन इंसुलेटर। यह पोर्सलिन या कांच की डिस्क को जोड़ के लड़ी के रूप में तैयार किया जाता है और लड़ी को वर्टिकल पोजिशन में लगाते हैं। हॉरिजॉन्टल पोजिशन में लगाने पर इसका नाम बदलकर स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर हो जाता है। प्रत्येक डिस्क के 11 kV की वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है। इस सस्पेंशन इंसुलेटर का उपयोग 33 kV से अधिक वोल्टेज के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। कांच का बना इंसुलेटर इतना अच्छा नहीं होता जितना कि पोर्सलिन यानी कि चीनी मिट्टी का बना हुआ इंसुलेटर। अब बात करें सस्पेंशन इंसुलेटर के प्रकार की, तो सस्पेंशन इंसुलेटर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हैं पहला हैवलेट और इंटरलिंकिंग टाइप, दूसरा है कैप एंड पिन टाइप, इसको कोर व लिंक टाइप भी कहते हैं, तीसरा है सीमेंटेड कैप टाइप। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये है हैवलेट और इंटरलिंकिंग टाइप इंसुलेटर। इसे सबसे पहला सस्पेंशन इंसुलेटर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आजकल ये ट्रेंड से बाहर हो गए हैं। अब दूसरा है कैप और पिन टाइप। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इसको कोर या लिंक टाइप इंसुलेटर भी कहते हैं। इसमें फोर्ज्ड स्टील कैप और गैल्वेनाइज्ड फोर्ज्ड स्टील पिन होते हैं, जो चीनी मिट्टी से बने इंसुलेटर से जुड़े होते हैं। इसमें पिन के माध्यम से डिस्क को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। इसका उपयोग वर्तमान में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तीसरा होता है सीमेंटेड कैप टाइप। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें चीनी मिट्टी के साथ स्टील के स्थान पर घरों में जो हम सीमेंट का उपयोग करते हैं उसी का उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे ऊपर एक पिन डालकर उपयोग में लिया जाता है।